हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रोडक्ट के बारे में, जो कि शायद मे भी आप लोगों ने सुना भी होगा। सो उसका जो नाम है वो है कोजी केयर सोप। और ये जो सोप है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फॉर स्किन वाइटनिंग, फॉर स्किन ब्राइटनिंग के लिए। तो क्या गाइज ये जो प्रोडक्ट है ये रियली वर्क करता है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ऑल्सो मैं आपको मेक श्योर करूँगी कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं, क्या ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्किन के लिए सेफ है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी आपको कितनी मिलेगी, इसको आपको कहां से लेनी है और आपको कहां से ये जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल मिलेगा। क्योंकि अभी बहुत सारे स्किन वाइटनिंग सोप आपको जो है फेक मिल रहे हैं और बहुत सारे जो है कस्टमर के क्वेरीज है कि वो फेक प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हैं। सो आप उनको जो है फेक प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है। सो ये सब चीजों से आप कैसे बच सकते हो, सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी कि आपको उसको कैसे यूज करना है, कितने दिन तक यूज करना है, क्या ये वर्क करेगा या नहीं। ठीक है, सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालू सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइज, सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके प्राइस के बारे में। तो गाइज, आपको ये अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, 199 रुपीज का आपको अमेजोन पे ये मिल रहा है पैक ऑफ थ्री में। ठीक है, एंड आपको एक सोप ये 75 ग्राम का मिलेगा, विच इज ईच आपको सोप जो है 75 ग्राम का मिलेगा। आई थिंक अकॉर्डिंग टू प्राइस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये जो सोप है आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। क्योंकि अगर आप कोई भी स्किन व्हाइटनिंग सोप या फिर क्रीम यूज करते हैं तो आपको अराउंड 300 या फिर 400 के पार ही आपको जो है उसमें बजट में आता है। आपको ये जो सोप है बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है और आपको पैक ऑफ थ्री में मिल रहा है, जो कि आई थिंक 3 to 4 मंथ आराम से आपका चल जाएगा, विच इज बहुत ही अच्छा। ठीक है, उसके बाद में बात करूंगी इस सोप के ब्रांड के बारे में। तो ये आपको कोजी केयर इसका ब्रांड का नाम है, एंड आप इसको ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए यूज कर सकते हो, वेदर यू हैव सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, कोई भी स्किन टाइप है तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड ये आपको सोप मिलेगा लाइक बार सोप, जैसा आप नॉर्मल सोप यूज करते हो वैसे ही आपको ये रिसीव होगा। सो उसके बाद अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें जो है मिलाया गया है, सो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट में वो कोजिक एसिड है और आरब्यूटिन है। उसके बाद इसमें विटामिन सी मिलाया गया एंड विटामिन ई मिलाया गया। सो ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज्यादा यू नो स्किन व्हाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, कोई भी आपको स्किन प्रॉब्लम होता है तो ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके स्किन के लिए। और आई थिंक कोजिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर स्किन व्हाइटनिंग, फॉर स्किन ब्राइटनिंग के लिए। और ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपको अधिकतर स्किन व्हाइटनिंग वाले सोप में मिलेंगे, स्किन व्हाइटनिंग क्रीम में मिलेगा, स्किन व्हाइटनिंग सिरम में मिलेगा। सो ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज्यादा सेफ हो और बहुत ज्यादा हद तक यूज किया जाता है ये सारे जो भी इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके जो क्लेम्स है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सो ये क्या करता है, आपके डेड स्किन प्रॉब्लम को रिमूव करता है। अगर आपके स्किन बहुत ज्यादा डल है, बहुत ज्यादा टैनिंग है फेस पे, तो इसको ये बहुत हद तक रिड्यूस करेगा। एंड अगर आपके स्किन पे एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, लाइक आप अपने एज से बहुत ज्यादा दिखते हो, सो उसके लिए ये जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। ये आपके स्किन को सन प्रोटेक्शन भी देगा, विच इज अगर आप बाहर भी लगा के जाते हो, लाइक अगर आप बाहर भी रहते हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो बहुत ही इजी तरीका से। सो आपको सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, आपके स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, एंड आपको एक यंगर लुकिंग स्किन आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो गाइस, ये सारे जो भी थे इसके क्लेम्स थे। अब मैं बात करूंगी क्या ये जो प्रोडक्ट है वो रियली वर्क करता है या नहीं, क्योंकि बहुत लोग लेना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट को और एक जेन्युइन रिव्यू चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो गाइस, मैंने बहुत सारे रेटिंग्स पढ़ा है इस प्रोडक्ट के बारे में, आपको नेगेटिव रेटिंग्स भी दिख जाएगा, आपको पॉजिटिव रेटिंग्स भी दिख जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पे भी बहुत सारे रेटिंग्स दिखा दूंगी। सो आप एक एक करके देख लो गाइज, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। सो गाइज, मैं कुछ दिन से यूज कर रही हूँ रूप सुंदर सोप, उसमें मिलाया गया है कोजिक एसिड। ठीक है, सो वो भी जो है वो स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एंड इसलिए मैंने उसको बाय किया था। सो उसको मैं 2 to 3 वीक से यूज कर रही हूँ, एंड गाइज मैं बहुत ही ह्यूज डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ अपनी बॉडी में। मेरे बॉडी पे टैनिंग बहुत ज्यादा हो गया था, लाइक बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जो है
सन रेज में वीडियो बनाती हूँ इसके वजह से। बट गाइज वो जो सोप था कोजिक एसिड से बनाया गया था और ये जो सोप है वो भी कोजिक एसिड से ही बनाया गया है, तो दोनों जो सोप है वो सिमिलर ही वर्क करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर उस वीडियो को भी देख लेना। और अगर आप एक बहुत ही जेंटल सा, बहुत ही आपकी स्किन पे जेंटल रहे उस टाइप का एक बहुत ही अच्छा सोप खोज रहे हैं तो वो बेस्ट है उसके लिए। और अगर आप बहुत ही अफोर्डेबल सा सोप खोज रहे हैं जो कि वर्क भी करे और बजट फ्रेंडली भी हो, सो उसके लिए आप इसमें जा सकते हो। आई थिंक बहुत ही अच्छा वर्क करेगा अगर आपको रियल प्रोडक्ट मिलता है तो। गाइज मैं आपको एक लिंक दूंगी, उसके थ्रू आपको जो है उसको बाय करनी है एंड आपको जो है रियल प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, आपको जो है फेक प्रोडक्ट मिल जाता है और आप उसको यूज करते हो और आपको लगता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो फेक है, वर्क नहीं कर रहा है। बट गाइज अगर आप जो है रेटिंग्स देख करके प्रोडक्ट को लोगे तो आपको जो है रियल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो गाइज अगर आपको ये जो है प्रोडक्ट वो रियल मिलता है तो वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। एंड अगर आपकी बॉडी में टैनिंग आ गया है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। एंड अगर आपकी बॉडी में हल्का सा डार्क स्पॉट वगैरह है, कुछ भी इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। फॉर लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। एक दो शेड तो बिल्कुल ये जो सोप है वो लाइटन अप करेगा, बहुत ही ज्यादा सेफ होता है ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट है, तो आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होगा ये सारे प्रोडक्ट में अगर आप लेते हो तो। और गाइस आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि स्किन के लिए सोप अच्छा होता है या नहीं, क्योंकि आपने सुना भी होगा वो अच्छा नहीं होता है और गाइस अच्छा होता भी नहीं है। सो अगर आप इस टाइप के सोप्स यूज कर रहे हो जिसमें विटामिन ई हो, कोजिक एसिड हो, ग्लूटाथाउन हो, इस टाइप के कोई भी इंग्रेडिएंट हो जो हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, ये सोप को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेफ है आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए। आपको इस सोप को कैसे यूज करना है, तो अगर आप कोई भी स्किन व्हाइटनिंग सोप यूज करो, मैं इस सोप की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप कोई भी सोप यूज कर रहे हो तो उसको आपको रिजल्ट मतलब आने के लिए आपको कैसा उसको यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट उसका मिले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस सोप के ले लेनी है जैसे कि आप नॉर्मल सोप लेते हो, आपको अपने हैंड पे हल्का सा लेनी है एंड आपको बहुत ही अच्छे से मसाज करके लगाना है। गाइस मेक श्योर करना कि आपको 1 से 2 सेकंड तक इसको अपने स्किन पे रखना है ताकि ये बहुत ही अंदर तक जाए और ये जो प्रोडक्ट है वो वर्क करे आपके स्किन पे अच्छा बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। क्योंकि गाइस आप लेते हो बट आपको नहीं होता कि आपको उसको कैसे यूज करना है, तो इस तरीके से अगर आप यूज करते हो तो ही वर्क करेगा वरना नहीं करेगा। अगर आप रेगुलर यूज सोप जो भी यूज करते हो उस तरीके से अगर आप उसको करोगे तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। कोई भी स्किन व्हाइटनिंग सोप को आपको इसी तरीके से यूज करना है, आपको 1 to 2 सेकंड के लिए इसको जो है अपने फेस पे यूज करना है। सो गाइज मैं आपको लिंक दे दूंगी एक डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू अगर आप इस प्रोडक्ट को लोगे तो आपको फेक प्रोडक्ट नहीं मिलने के चांसेस है, ठीक है। सो गाइज यही है इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। एंड गाइज अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, सारे चीज जो भी है इसमें बहुत ही सेफ है इंग्रेडिएंट और वर्क भी बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। सो अगर आप जो है वो भी सोप लेना चाहते हो जो मैं अभी रिसेंटली मैं यूज कर रही हूँ, उसके भी लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो पहले आप उसका वीडियो देख लेना कि आपको कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसके बाद ही आप उसको परचेस कर सकते हो। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन